डायनामाइट है जो जो एक वायर से कनेक्टेड है। ईशान मैं तुम्हारी बात बॉम्ब स्क्वाड से करवाता हूँ। तांबे नायक को बुलाओ। जैन सर। जैन चेक करो। ईशान को एसी डक में बॉम्ब मिला है। ईशान अब धीरे धीरे डक्ट में संभल कर जाता है और पुलिस को भी अपने लूप में बनाए हुआ है। और तभी उसकी निगाहें पड़ती है उस डायनामाइट पर जो किसी भी वक्त भंवर के एक बटन पर फट सकता है। और अब पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के सीनियर से बात करवाता है ईशान का। और ईशान अब सारी डिटेल्स समझकर करने जाता है वो काम जिसमें एक छोटी सी भी गलती हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता है एक ही पल में। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती है ईशान को वैसे वैसे वो पूरी तरह चौकन्ना होकर काटता है वायर्स, उन वायर्स को जिसके चलते सबकी जान खतरे में डाल रखा है भंवर पाटिल ने। पर मंडप में सभी को ये समझ नहीं आती कि आखिर ईशान सर ऐसे क्यों खड़े हैं और एक तक देख रहे हैं नज़ारा, क्यों नहीं कर रहे कुछ। और वो बहुत दुखी होती है पर उसे ये नहीं पता कि वो तो सिर्फ ईशान की रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ईशान तो बॉम्ब स्क्वाड की मदद से एक एक करके वायर्स को कट करने में लगे हैं ताकि कोई बॉम्ब ना फूटे। और अब पुलिस ईशान को भी वार्न करती है कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और अब उसे सेंट्रल लोकेशन ढूंढनी है जहां सारे बॉम्ब्स के कनेक्शन किए गए हैं और वहीं मेन लोकेशन से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ईशान को वायर। और अब ईशान बढ़ता है अपने जीवन की सबसे कठिन इम्तिहान की ओर जिसमें उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, उसे किसी और की जान को दाव पे नहीं लगानी है। और वहीं सभी को जबरदस्ती भंवर सात फेरे फटाफट लेने जा रहा है पंडित को डराकर। और अब सभी को कहीं ना कहीं एक उदासीपन छा रही है कि उसके ईशान सर पर उसे कितना भरोसा था पर वो तो वहां खड़े होकर सब कुछ सिर्फ देख ही रहे हैं। पर अब चिन्मय भी जो केमिकल लेकर आया था वो कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो तो क्लोरोफॉर्म है जो अब दुर्वा को बताकर सब कोई एक चेन की तरह उस क्लोरोफॉर्म से भरे कपड़े को निशी तक पहुंचाते हैं जो अब सबसे पहले एक करीब खड़ा हुआ गुंडे पर इस्तेमाल करता है और अब वो बेहोश हो जाता है। और अब किरण की मदद से दूसरे को भी इसी तरह बेहोश करता है निशी। वहीं ईशान अब भी लगा हुआ है बॉम्ब्स की लोकेशन ढूंढने में और जहां वो कैंटीन के तरफ पहुंचता है और देखता है कि वहां कोई बॉम्ब नहीं तो दूसरी ओर घूमता है खोजने के लिए। और थोड़ी ही दूर जाने पर चौंक जाता है खुद सबसे बड़ा बॉम्ब देखकर और फोन लगाता है पुलिस को। और इस बार ईशान को बोला जाता है कि उसे और कोई वायर को छुए बगैर सिर्फ पीली यानी येलो वायर काटनी है पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और ईशान बिना कोई प्रोटेक्शन गियर और ना ही औजार करने बैठता है वो काम जो वो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, बॉम्ब को डिटोनेट करना। और कांपते हाथों से ही सही ईशान अपने परिवार और खासकर सभी को बचाने के लिए तैयार होता है और कर दिखाता है वो काम जो कोई बॉम्ब स्क्वाड नहीं कर पाया। सर मैंने येलो वायर काट दी। वेरी गुड ईशान, वेल डन ईशान। बस थोड़ी देर और इंतजार करो, हम पीछे एक दरवाजे से अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। ओके ओके सर, प्लीज जल्दी आइए। और ईशान को अपनी सभी को बचाने के लिए पहुंचना है मंडप तक। और अब एक शेर की तरह ईशान उतरता है और भंवर को लेता है अपने गिरफ्त में और अब एक नई ताकत के साथ भंवर को चौंका देता है ईशान। और तब भंवर देखता है कि कैसे ईशान ने उसे बेवकूफ बनाया, जिसे वो ईशान समझ बैठा था वो तो उसका सिर्फ एक परछाई यानी रिफ्लेक्शन है। और जहां ईशान भंवर के आदमियों को धमकी देता है अपने गन्स नीचे रखने नहीं तो वो भंवर को ही मार देगा, वहीं अब पूरा परिवार ईशान की इस बहादुरी को देख रोते हैं खुशी की आंसू। पर क्या पुलिस पहुंच पाएगी इतना जल्दी और क्या भंवर पाटिल कोई चाल तो नहीं चल देगा,
जिसे जीती बाजी हार जाएंगे ईशान और सवी। आगे आखिर क्या होगा, देखते रहिए आने वाली कड़ी की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। वाह मास्टर, बहुत गेम खेला तूने। तो कोई बात नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, दोनों को खत्म करूंगा मैं। कदम ए बंदूक नीचे कर, वरना तेरा बॉस जाएगा सीधा ऊपर। ए मास्टर, एक शब्द मत बोलना, भूल मत, रिमोट अभी भी मेरे हाथ में है, पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा मैं।